जैन मुनियों पर हो रहे हमलों को लेकर डिप्टी कलेक्टर पलवल को दिया ज्ञापन। होडल, पलवल, हसनपुर, हथीन ने डिप्टी कलेक्टर नेहा सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। कुछ दिनों पूर्व कर्नाटक में जैन मुनि आचार्य 108 श्री काम कुमार नंदी जी मुनिराज का अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर पूरे भारतवर्ष के जैन समाज में काफी नाराजगी है। उसी संदर्भ में समस्त जैन समाज अपने अपने शहरों में एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दे रही है। उसी कड़ी में जैन समाज होडल, पलवल, हथीन, हसनपुर ने गुरुवार को पलवल डिप्टी कलेक्टर नेहा को उनकी कार्यालय में ज्ञापन दिया। इस मौके पर होडल जैन समाज प्रधान नीरज जैन ने बताया कि जैन धर्म के मुनिराजों पर दिन प्रतिदिन हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले दिनों कर्नाटक में जैन मुनिराज का अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या से जैन समाज स्तब्ध और शोकाकुल है। जैन मुनि और साध्वियों पर हो रहे हमले को लेकर संपूर्ण जैन समाज आक्रोशित है। जैन समाज का सरकार से अनुरोध है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, जिससे कि इस प्रकार का अपराध करने से पहले लोगों के दिलों में डर पैदा किया जा सके। इस मौके पर होडल जैन समाज के प्रधान नीरज जैन, प्रधान मुकेश जैन, राजकुमार जैन, सन्मत कुमार जैन, जैन यंग क्लब होडल प्रधान रोहित जैन, पलवल जैन समाज प्रधान चंद्रसेन जैन, पूर्व प्रधान राजेश जैन, सतीश जैन, मनीष जैन, कुलभूषण जैन, कोका जैन, अंकुर जैन, जैन यूथ क्लब पलवल प्रधान राहुल जैन, हथीन जैन समाज प्रधान मास्टर किशन जैन, हसनपुर जैन समाज प्रधान सोनू जैन मौजूद रहे। पलवल जैन समाज के प्रधान अंकुर जैन ने बताया कि हमारे समाज में जैन धर्म गुरुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं। इसी को लेकर हमने आज पलवल डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जब इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने होडल जैन समाज के प्रधान नीरज जैन ने बताया कि हमारे समाज को एकजुट होने की जरूरत है। कमलकांत शर्मा की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया, किसके दिया? बेलगाम में हमारे जैन आचार्य श्री कुमार नंदिनी जी महाराज के ऊपर बहुत ही जघन्य अपराध थे, उसके टुकड़े टुकड़े कर होटल में डाल दिया गया है। इसको जैन समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जैन समाज माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध करता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाए। ये समाज के लिए बहुत ही निंदा का विषय है। ऐसे अपराधों को आगे ना बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जैन समाज के साधुओं की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बहुत ही जरूरत है। जैन समाज ने बाजार बंद, जैन समाज ने पूरा हरियाणा या पूरा भारत बंद करने का आह्वान किया, मगर देखा गया है बाजार अभी खुले हुए हैं। आपका समाज बाजार बंद करना क्या सर? 10 से 12 बजे तक का देखने का समय दिया गया था। कुछ लोगों को ये मैसेज कन्वे नहीं हो पाया है, लोगों को नहीं कह पाए हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोगों ने अपना 2 घंटे के लिए अपना बाजार बंद है। वो किसी मैडम ने ये अपना ज्ञापन आगे प्रेषित करने के लिए बोला है कि इस मैसेज को आगे तक पहुंचाया जाएगा और इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए कोई ना कोई कमेटी बनाई जाए। कर्नाटक में हमारे जैन मुनि की एक जघन्य हत्या करके बहुत बड़ा अपराध किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारा जैन समाज प्रधानमंत्री से अनुरोध है इसका हमारे जैन साधुओं की सुरक्षा की जाए और एक ऐसी कमेटी बनाई जाए कि मतलब हमारे साधुओं की सुरक्षा, हमारे तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा, हमारे धर्म साधु आहार विहार करते हैं उनकी सुरक्षा की जाए। नहीं, आपको देखा नहीं देना कि आजकल कुछ हिंदू समाज में, धर्म समाज में हमारे पे ज़्यादा आक्रमण हो रहे लोगों का? ये हम देख रहे हैं कि हमारे मतलब साधुओं पर बहुत ज़्यादा इस वक्त इनकी कोई एक्सीडेंट में इनकी हत्या हो रही है या इनके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। समाज में आपका होटल का बिल्कुल बजाय बंद नहीं है, इसका रुपया कहना है? और होटल प्रधान छोटा सा समाज है, छोटा सा बाजार है आपके समाज, होटल का बाजार भी 2 घंटे के लिए नई तस्वीरें हैं हमारे पास, आप एक हफ्ते बंद नहीं। ये हम सोच रहे हैं आगे हमारे लिए जैसे भी आदेश होगा वो हम बाजार बंद ही कराएंगे। ऐसा लगता है इससे फूट पैदा होती है समाज में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा शहर एक है, हम पलवल, होडल, हथीन सब एक समाज है। सर बहुत आप हमारे तरफ से सच्चा करना चाहते हैं? हम तो आप दोनों के साथ ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे साथ सुरक्षा किया जाए।